सर इस क्वेश्चन से ना मैं 6 महीने से परेशान हूँ, आप प्लीज का आंसर। 6 महीने से परेशान हो इस क्वेश्चन के लिए? हाँ सर। आप क्या क्वेश्चन है? आप कहते हो कि प्यार वो होता है अंदर से आए, वो नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ। सर मैंने लोगों को देखा है साथ साथ बार प्यार होता है, शादी के बाद प्यार होता है। अब आया पंडर लोगों को मजा, ये क्या करियर वरियर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं? प्यार, इश्क, मोहब्बत। सर मतलब कितनी बार हो सकता है मतलब? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये समझना इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्यार कितनी बार होता है नहीं होता है, ये समझना इम्पोर्टेंट कि प्यार क्या है। हम कंफ्यूज किस में हो जाते हैं? हम रिलेशनशिप और प्यार में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, इसका मतलब प्यार भी है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक है रिलेशनशिप एक है प्यार। ऐसा हो सकता है कोई बंदा पूरी लाइफ के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में, प्यार में रहे ही नहीं। तो वॉट इज रियल लव? जब आप सामने वाला जो पर्सन है, जरूरी नहीं आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, जैसे मैं आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी आंखों में मैं खुद को देख सकता हूं, क्या ये पॉसिबल है? Yes, sir. हाँ, आप बोल तो रहे हो यस सर, बट हाउ इज इट पॉसिबल? एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों की आंखों में खुद को देख लेता हूं और खुद में आपको देख लेता हूं, इसको प्यार कहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई सेपरेशन नहीं रह जाता है बीच में। जहां पर भी दो होते हैं, मैं हूं ये, तू है वो, तो वहां पर प्यार होना इम्पॉसिबल है। वहां पर रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ देर के लिए अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन जैसे ही दोनों को एक दूसरे से जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, तो उसके बाद में वो क्रेज खत्म हो जाता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कुछ और है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, जिसको हम प्यार समझते हैं, या इवन टुवर्ड्स द सेम सेक्स, तो रूलिंग आ गई है। हाँ, और इसमें हंसने वाली बात नहीं है। हम क्या समझते हैं, इसको हम प्यार का नाम दे देते हैं, फिर ऑफिशियली उस पर ठप्पा लगा दिया कि अभी हस्बैंड वाइफ हैं तो अब तो प्यार करना ही पड़ेगा, अब क्या करें, ना करें तो जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर भी कोशिश है वहां पर प्यार नहीं है, जहां पर दो है वहां पर प्यार नहीं है, जहां पर सेपरेशन है वहां पर प्यार नहीं है, जहां पर ये सेंसेशंस हैं जिसको हम प्यार बोलते हैं, वो सेंसेशंस नहीं है, केमिकल लोचा नहीं है, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, अरे मुझे उससे प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, फिर किसी और को देख के केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, देख रहे होते हैं उसको, सोच रहे होते हैं किसी और के बारे में, उसको लग रहा है उसकी वजह से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, हो रहे हैं किसी और की वजह से, ये सब कहानियां होती है नहीं होती है? रिलेट कर पा रहे हैं? अपनी ब्रेन में झांक के देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ना कोई केमिकल लोचा हो रहा है, ना आपको सामने वाले से कुछ चाहिए, ना कुछ थॉट्स चल रहे हैं। थॉट्स हम किसे बोलते हैं? अपने अंदर ही अंदर कुछ कुछ बोल रहे हैं, हाँ ये कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है, ये सब बोलना थॉट्स, बीच में कुछ आ गया ना, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, बीच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वो प्यार है। बीच में कुछ भी है तो वो प्यार नहीं है, एक दूसरे की जरूरत है। मुझे भूख लगी और अपनी उस भूख को पूरा करने के लिए मैं सामने वाले को यूज कर रहा हूं, उसको हम प्यार बोल देते हैं इन दी कॉमन डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक बिल्ली को चूहे से प्यार है, क्योंकि सुबह से रात तक बिल्ली किसके बारे में सोचती रहती है? चूहे के बारे में। बिल्ली को क्या चाहिए? चूहा चाहिए। बिल्ली को चूहे की पड़ी है खुद की पड़ी है? भूखे हैं, अपनी उस भूख को मिटाने का मतलब प्यार समझ रहे हैं। वो भूख कैसी भी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है। तो भूख को मिटाना प्यार नहीं है, भूख का मिट जाना प्यार है। कुछ चाहिए नहीं है सामने वाले से, उसके साथ में बैठे हो तो आप घंटों बैठे बैठे उसको देख सकते हो बिना कुछ सोचे, तो आप कह सकते हो कि आप प्यार में हो। बिना कुछ भी चाहे, कुछ भी चाहे, किसी भी तरह का किसी के साथ में रह सकते हो, तो आप कह सकते हो कि आप प्यार में हो। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब गलत मत निकाल लेना, कि यू आर नॉट अगेंस्ट फिजिकल, यू आर नॉट अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल, यू आर नॉट अगेंस्ट साइकोलॉजिकल, वो सब भी है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी एक्चुअल में है।
ना उससे ज्यादा ना उससे कम. प्यास लगी पानी पिया खत्म, उससे ज्यादा नहीं. 24 घंटे तो पानी नहीं पीते रहोगे. तो प्यार का मतलब क्या है? फड़फड़ाना नहीं, ठहर जाना. हम क्या समझते हैं प्यार का? फड़फड़ाना, ये नहीं समझना. बड़ा मजा आ रहा है उसके साथ में, आई लव बीइंग विद दिस पर्सन. प्यार करना ही है, फड़फड़ाए हुए. और ये एक या दो दिन में नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं कि हाँ किसी से मिले और एक महीना हुआ है, दो महीना हुआ है. अरे ना जी, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ लव. प्यार का मतलब है इस तरीके से जुड़ जाना कि जहां पर अलग होने की गुंजाइश ही ना. ज्यादा हो रहा है? हाँ सर, अच्छा अच्छा सर, मजा आ रहा है सर, मुशायरा बढ़िया चल रहा है. हाँ सर, समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया है सर, चलने दो सर. जहां पे समझ की जरूरत है वो प्यार नहीं है, जहां पे सोचने की जरूरत है वो प्यार नहीं है, जहां पे कोशिशें हैं वो प्यार नहीं है, जहां पे साथ रहने की ये हो रहा है वो सब नहीं है, जहां पर ये कुछ भी नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं कुछ. इफ यू आर देयर विद दैट पर्सन, यू कैन जस्ट बी विद दैट पर्सन फॉर आज एंड आज एंड आज. जो कहानियों में सुना है आपने, बिना कुछ करे बस देखे चले जा रहे हो, तो पागलपन में और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं है. पागल मतलब क्या? जो अपनी समझ के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो समझ को ट्रांसेंड कर गया है, वो आम लोगों की समझ में नहीं आता है. जो समझदार लोग होते हैं ना, वो सब दोगुले होते हैं, दिखाते कुछ है, अंदर से होते कुछ और है. ये समझ प्यार के बीच में आ जाती है. जैसे कुछ सोचा, सब खत्म. क्योंकि जो भी आप सोचोगे उसको अपोजिट प्यार खड़ा है वहां पर. जो भी आप सोचते हो, जिसको आप सोचना कहते हो कि ये बहुत अच्छी है, तो क्या ये दिखने में देर लगेगी कि वो बहुत बुरी है? तो एक मिनट में क्या हो जाएगा? वो अच्छी हो जाएगी, अगले मिनट में वो बुरी हो जाएगी. एक मिनट में हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, अगले मिनट में खत्म हो जाएगी. मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पर खत्म होना पॉसिबल ही नहीं है. मतलब आप चाहो भी तो वो रिलेशनशिप खत्म हो ही ना पाए, जीते जी भी और मरने के बाद भी. तो खुद का मिट जाना प्यार है. ये देख लेना कि मैं हूं ही नहीं, ये प्यार है. ये देख लेना कि तू है ही नहीं, ये प्यार है. जुड़ना नहीं है, हम जुड़े ही पड़े हैं. इस दुनिया में आने से पहले भी जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, बाद में भी जुड़े हुए हैं. अलग होने का कोई तरीका ही नहीं. हम चाहे भी तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते.